वोट की चोट में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, तीन दौर का चुनाव खत्म हो चुका है। लोकसभा की 372 सीटें लॉक हो चुकी हैं। देश पूछ रहा है एक ही सवाल, क्या होगा, किसकी बनेगी सरकार? इसका जवाब आखिर क्या है? क्या हम और आप बता सकते हैं कि तीन दौर के चुनाव खत्म होने के बाद हवा का रुख कहां जा रहा है? आज वोट की चोट में हम कुछ अनुमान लगाएंगे, देखेंगे कि तीन दौर का चुनाव खत्म होने पर आने वाला कल कैसा हो सकता है, कैसी हो सकती है आगे की तस्वीर। हम करेंगे कई राज्यों का विश्लेषण, बताने की कोशिश करेंगे किस पार्टी को किस राज्य में फायदा पहुंच सकता है या पहुंच रहा है, और सरकार बनाने और बढ़त लेने के लिए यूपीए या फिर एनडीए को अब बचे हुए दो दौर के चुनाव में क्या कुछ करना होगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान मौजूद है। योगेंद्र जी हमारे साथ लगातार मौजूद है, साथ ही हमारे साथ हैं अरुण नेहरू। जो लोग उनको नहीं जानते हैं उनके बारे में बता दें कि वो लगातार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पहले अतीत में, और इस वक्त वो एक जमाने बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़ा था, और साथ में लगातार वो जमीन से जुड़े रहे हैं और लगातार प्रेडिक्शन भी करते रहते हैं चुनाव के दौरान किसकी सरकार बन सकती, किसको कितनी सीटें मिल सकती, और 543 की 543 सीटों के बारे में उनकी जानकारी बहुत पुख्ता मानी जाती है। योगेंद्र जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस वक्त तीन दौर के चुनाव होने के बाद भी स्थिति ऐसी है कि ना मैं बता सकता हूं ना कोई बता सकता। आपको क्या लगता है, इतने लंबे समय चुनाव देखते रहे हैं, क्या ये फोटो फिनिश वाकई है या कहीं किसी एक गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है? आशुतोष, अभी हम एक सीमित बात कर सकते हैं जी। सरकार किसकी बनाएगी ये तो अरुण जी बताएंगे और मैं भी बड़ा ध्यान से सुनूंगा लेकिन अभी जो हम बात कर सकते हैं सीमित, वो सिर्फ इतनी है कि दौड़ जब शुरू हुई थी उस वक्त ऐसा महसूस होता था कि यूपीए को एक बढ़त है शुरुआती। जैसे जैसे हम तीसरे दौर तक पहुंचे हैं वो शुरुआती बढ़त कम हो गई है और दौड़ इस वक्त कहीं ज्यादा कांटे की लग रही है, और अंतर इतने थोड़े वोट से फर्क पड़ने वाला, इतने थोड़ी सीटों से ऊपर नीचे हो सकता है, 10-15 सीट से सब कुछ ऊपर नीचे हेरफेर हो जाएगा, कि ऐसे में एक विश्वास के साथ और कह पाना कि मुझे पता है कि किसको 5 सीट फालतू आएंगी और किसको 6 सीट कम आएंगी जी, कम से कम मेरे बस का तो नहीं। लेकिन अभी तक जो तीन दौर के चुनाव में हुए उसमें आप किन राज्यों के अंदर आप देखते हैं यूपीए की स्थिति बेहतर है और एनडीए की स्थिति भी बेहतर हुई? आशुतोष, कुल मिला के अगर मोटी चीज हम देखें कि अब तक जो स्थिति जिन जिन सीटों में चुनाव हुआ था, इन 200-370 सीट का अगर हम आंकड़ा देखें जो स्क्रीन पे आ रहा है जी, ये वो इलाके हैं जहां पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी, यूपी और एनडीए लगभग बराबरी पे छूटे थे, यानी कि यहाँ पे यूपीए जीता नहीं था इन इलाकों में। अब तक ऐसा महसूस होता है कि एनडीए जहां था लगभग वहीं पे है। पिछली बार इन 370 में से एनडीए के पास 143 सीटें थी, कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास 149, यानी कि लगभग बराबर जी। एनडीए जहां था लगभग वहीं पे रहा है, यूपीए थोड़ा सा पीछे खिसक गया है, और उसकी वजह यह है कि एनडीए के हक में जो चीजें गई हैं कि जिस इलाके में आप देखिए एनडीए को, जो पूरी पट्टी हम देख सकते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उसके बाद आसाम तक अगर आप चले जाएं, तो इस पूरी पट्टी में कहीं ना कहीं एनडीए को एक बढ़त मिली है, एनडीए बीजेपी और उसके सहयोगियों को एक बढ़त मिली है। उधर देखें कि यूपीए के हक में कौन से इलाके गए हैं, महाराष्ट्र में छोटी सी बढ़त है, बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है, केरला में निश्चित यूपी एक बढ़त पे है, उसके अलावा ले दे कि आपको उत्तर भारत, उत्तर पूर्व के छोटे छोटे राज्य दिखते हैं आपको, मणिपुर दिखाई देता है, मेघालय और मिजोरम दिखाई देते हैं, कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं आशुतोष जो कि यूपीए कह सके कि हमारी झोली में चला गया है जी, जिसके चलते एक कांटे की टक्कर बाकी सारे इलाके में एक बहुत कांटे की, मतलब आपके कहने का मतलब यह कि यूपीए के हक में महाराष्ट्र, केरल, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के राज्य, उनको थोड़ा फायदा नजर आ रहा है, जबकि एनडीए के हक में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, असम और नागालैंड। हम यही सवाल अरुण नेहरू जी से पूछते हैं। अरुण नेहरू जी दिल्ली हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी, आपको क्या लगता है कि तीन दौर के जो चुनाव हुए उसमें यूपीए के पक्ष में किन किन राज्यों में आपको लगता है उनको फायदा होता नजर आ रहा है, और एनडीए के पक्ष में क्या स्थिति है? नहीं, उसके पहले तो ये देखना चाहिए कि 2004 में जी जो भी सीटें कांग्रेस को मिली थी, शायद 145 से 146 मिली थी, 149 जो बीजेपी को मिली थी जी, मुझे लग रहा है कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी की जो 2004 में जितनी सीटें थी अब की से वैसे ही रहेंगी या 10-15 बढ़ भी सकती हैं। पहले तो यूपीए के बारे में आप कह रहे हैं कि उनकी सीटें बढ़ भी सकती हैं जो तीसरे दौर के 149 सीटें थी पिछले 2004 के मुताबिक? नहीं, इसमें दो चीजें देखनी है, एक तो कांग्रेस और बीजेपी का देखना है जी, और फिर देखना है कि जो दोनों ग्रुप्स अभी जो हैं जैसे यूपीए और एनडीए,
उसमें मेरा असेसमेंट है कि यूपीए के जो एलाइज हैं उनके सीटें कम हो रही हैं और एनडीए के एलाइज की सीटें ज्यादा बढ़ रही हैं। मगर मेरा असेसमेंट है कि 542 सीटों में यूपीए का जो कॉम्बिनेशन है वो 190 जीत सकते हैं और एनडीए भी 190 जीत सकते हैं। जी, और वो कौन कौन से राज्य जहां आपको लगता है कि कांग्रेस को बढ़त पहले से ज्यादा मिलती नजर आ रही है? नहीं, वो जो राज्य हैं जैसे पंजाब में मुझे लग रहा है वो 5 सीट अब की से ज्यादा जीत सकते हैं जी, और उसी तरह आप महाराष्ट्र में देखिए तो ज्यादा फर्क नहीं है, मुझे लगता है 1-2 सीटें ज्यादा वो जीत जाएंगे, इसलिए कि बीजेपी जहां पर उनके ब्लॉक वोट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कर्नाटका, वहां पर मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी की जो सीटें हैं उसमें से कम होंगी। उसी तरह जैसे कांग्रेस में दिल्ली में 6 सीटें हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि उससे कम होंगी। अब हरियाणा में 2-3 कम हो सकती हैं, मगर उस तरह पंजाब में 4-5 बढ़ेंगी भी। तो जब टैली इसी मारे में 2000 के नंबर ऑफ सीट्स दे रहा था, इसलिए कि 2009 और 2004 में ज्यादा अंतर नहीं होने वाला। योगेंद्र जी, जिस तरह अरुण जी कह रहे हैं, अरुण जी कह रहे हैं कि बहुत लगभग कमोवेश स्थिति वही है, एक एक सीट के आंकने से आप देख सकते हैं कि एनडीए या यूपीए बढ़त हो सकती है। जैसे कि एनडीए के बारे में कह रहे हैं एक सीट ज्यादा 191 वो दे रहे हैं और यूपीए को 190 दे रहे हैं। अशोक, फिलहाल मैं पूरे 543 की बात नहीं कर रहा, मैं केवल जो पहले 3 दौर में गई हैं, और वहां अरुण जी का कहना ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी अपने आप में ना उन्हें कोई बहुत नफा है ना कोई बहुत नुकसान। पिछली बार इन 372 सीटों में से कांग्रेस को 102 का आंकड़ा था जी, और बीजेपी को 104 का, लगभग बराबर आंकड़ा था दोनों का। उनमें फायदा नुकसान नहीं है, असली फायदा नुकसान एलाइज में हो रहा है। बीजेपी के एलाइज कुल मिला के वो रिटेन कर रहे हैं जहां वो थे, कांग्रेस के एलाइज पिछड़ रहे हैं, या तो एलाइज छोड़ के चले गए जैसे बिहार में हुआ या अब आंध्र प्रदेश में हुआ, या जहां हैं वो पिछड़ रहे हैं, ये दिक्कत है कांग्रेस। अरुण जी, आपको लगता है कि अगर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान अगर कांग्रेस के साथ होते तो ये आंकड़ा थोड़ा बदल भी सकता था, थोड़ा हवा का रुख यूपीए के पक्ष में भी जा सकता था, और ये इंप्रेशन नहीं जाता कि इनके एलाइज बिखर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है, इसलिए कि देखिए एक चीज याद रखनी चाहिए कि इस चुनाव में जो मेरा असेसमेंट है, जैसे लेफ्ट की 65 सीटें अब की से 30-35 पे आ जाएंगे, उसी तरह लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह और रामविलास के आप तीनों की उत्तर प्रदेश और बिहार में सीटें देखें तो इनकी भी 65-70 सीटें और इनकी भी सीटें 30-35 तक आ जाएंगी। और देखिए कांग्रेस जो है बिहार में तो ज्यादा बेनिफिट उसको नहीं है, मतलब बिहार में बेनिफिट जा रहा है नीतीश कुमार और जनता दल यू को जी, उसी तरह उत्तर प्रदेश में बेनिफिट जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पिछले बार से अब की से उनको काफी सीटें ज्यादा मिलेगी जी। अरुण जी, हम अपने दर्शकों एक बार फिर बता दें कि इस वक्त की जो स्थिति 3 दौर के चुनाव के बाद, ऐसा लग रहा है कि एनडीए ने काफी कुछ अपने आप को बरकरार रखा है और यूपीए थोड़ा सा कमजोर नजर आया है, लेकिन अगर ये देखें कि बीजेपी को, जिसको कि उड़ीसा और महाराष्ट्र में नुकसान की आशंका जताई जा रही है, वो कहां से इसकी भरपाई कर सकता है, तो ये अनुमान है कि झारखंड और बिहार में जो है वो उसको अपने नुकसान की भरपाई वो उड़ीसा और महाराष्ट्र की जगह से कर सकता है। उसके सहयोगी जो है बीजेडी के जाने की भरपाई जो है वो एजेपी यानी असम से कर सकता है और जेडीयू यानी बिहार से कर सकता है। उसी तरीके से अगर कांग्रेस पर नजर डालें तो आंध्र, असम, गुजरात और झारखंड के नुकसान की भरपाई वो केरल और उड़ीसा से करने की कोशिश कर रहा है, और लग रहा है कि शायद यहां पर इनकी सीटें पिछली सीटों के मुकाबले थोड़ी बढ़ सकती हैं। वहीं उनके जो सहयोगी हैं आरजेडी, एलजेपी और टीआरएस के नुकसान की भरपाई शायद नहीं हो पाए, और वही सबसे बड़ा अंतर जी। नहीं, मगर इसमें बीजेपी जहां थी वो वहां टिक रही है और बीजेपी के सहयोगी भी टिक रहे हैं जी। कांग्रेस अपने आप पीछे नहीं जा रही, अरुण जी ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस के सहयोगियों की जो पिछली बार की 40 सीटें थी वहां कांग्रेस कोई कम से कम 20-25 सीट का घाटा खा रही है, जो कि फिलहाल तक उसे बराबर करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो आने वाले 2 दौर हैं जी वो कांग्रेस के लिए एक मौका भी है। अरुण जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी आपको बीच में। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसके साथ आप देखिए उनकी जो नई अलायंस तृणमूल कांग्रेस के साथ हुई है उसमें उनको 10-11 सीट का फायदा वेस्ट बंगाल में मिलेगा जी। मगर आप अगले 2 दौर देखिए
तो ये जो फायदा है वो तमिलनाडु में हार सकते हैं। जी जी, तो आखिर में वही 0-0 पोजीशन आ जाती है दोनों की। जी आरू जी, लेकिन एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो इनको आप फायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार बनाने की स्थिति हुई तो वो फायदा नुकसान में बदल सकता है, क्योंकि पिछली बार लगभग सारी सीटें कांग्रेस और लेफ्ट के साथ थी, और अगर ममता इस बार छिटकने की कोशिश करते, अगर लेफ्ट कांग्रेस के साथ आगे, तो जाहिर सी बात है ममता छिटकेंगी, तो वैसी स्थिति में कुल मिलाकर नुकसान की स्थिति होगी वहां पे। नहीं, इस वक्त जो रियलिटी है जी कि कोई भी एलाय, चाहे ये जो थर्ड फ्रंट है या फोर्थ फ्रंट है या यूपीए एनडीए, कोई भी एलाय इस वक्त लेफ्ट और शिवसेना को छोड़ के किसी ग्रुप में जा सकता है। और जब तक नंबर ऑफ सीट 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे, जब ही पता लगेगा कौन किस ग्रुप में रहेगा, इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। आप ये कह रहे हैं कि आज नीतीश कह रहे हैं कि लेफ्ट मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं जी, तो चुनाव के वक्त में ये कहना एक तो एक तरह से एक इंडिकेशन होता है। जी जी अरुण जी, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी भी जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, जो स्थिति हमारे विशेषक बता रहे हैं, जिस तरीके से थोड़ी बात नजर आ रही है, उससे कहीं कहीं ये लग रहा है कि तीन दौर के चुनाव के बाद यूपीए थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है और एनडीए को थोड़ी बढ़त होती नजर आ रही है, और अगर उसको अपनी इस कमजोरी का को करना होगा तो उसे कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से भरपाई करनी पड़ेगी। क्या आप इस असेसमेंट से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं जी। इसका कोई आधार ही नहीं है। क्या आधार है? को क्या इसमें कोई आंकड़े हैं? किसी ने कोई ठीक तरह से सर्वे किया है? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस चुनाव में एक बड़ी विचित्र चीज हुई है। कुछ हद तक तो आप लोगों ने अपने आप एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स करने बंद कर दिए, अच्छी बात है, क्योंकि पहली बार कई बार आप लोगों को दगा दे गए ये पोल्स। लेकिन जिस प्रकार के सर्वे हुए हैं इस पिछले एक महीने में, लगभग 6-7 हुए हैं, उन सब में एक बड़ी विचित्र बात है, और मैं उनके आंकड़े पर नहीं जा रहा हूं, मैं उनके कवरेज या उनके एग्जैक्ट फिगर्स पर ही जा रहा हूं, लेकिन सभी 6-7 सर्वेस में एक बात स्पष्ट है, कांग्रेस प्लस बीजेपी प्लस से आगे है। जहां किसी ने 110 भी दिया है कांग्रेस प्लस को, तो बीजेपी प्लस को 90 या 70 दिया है। यह बात एक दिशा दिखाती है, एक गति दिखाती है, एक रुख दिखाती है। तो अगर आप रुख की बात करते हैं तो रुख तो बिल्कुल विपरीत है। मतलब आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं इसमें सिवाय अटकल, आपको क्या लगता है यूपीए इस वक्त जो चौहान पर है और वो अपने बल पे सरकार बनाने की स्थिति में है, एनडीए की स्थिति बहुत खराब है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यूपीए निश्चित रूप से, दो चीजें निश्चित है, एक कि कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी होगी निश्चित रूप से, हमें सिर्फ ये खेद है कि वो बहुमत नहीं पाएगी अपने आप। दूसरा, यूपीए या कांग्रेस प्लस कह लें उसको, किसी भी हालत में सबसे बड़ा गठबंधन होगा, और ये दो होने के बाद मैं समझता हूं और कोई प्रकार की अटकल का आधार नहीं रह जाता। चलिए अभिषेक जी, माफ करिएगा मैं आपके बीच में टोक रहा हूं, लेकिन एक स्थिति तो यह है, कम से कम आप ये मान रहे हैं कि सबसे बड़ा गठबंधन यूपीए उभरेगा, खुद सरकार बनाने की स्थिति में शायद आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारी ये विशेष चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं वोट की चोटर, क्योंकि जैसा ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे कि यूपीए को नुकसान होता नजर आ रहा है और एनडीए को थोड़ा फायदा होता नजर, अब यूपीए को बाकी दो राउंड्स में ऐसा क्या करना चाहिए, किन राज्यों पर ध्यान देना चाहिए जहां उसको थोड़ा फायदा हो? जैसा मैंने आशुतोष तब कहा था कि ये जो आने वाले दो राउंड हैं वो एक तरह से यूपीए के लिए, कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए बहुत बड़ा मौका है। यही दो राउंड हैं जहां पिछली बार वो बहुत अच्छा जीते थे, तो ले दे के उन्हें यहां कुछ करना होगा। इसमें मैं समझता हूं राजस्थान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में पिछली बार सिर्फ 4 सीटें उनके पास थी, बहुत कुछ गेन करने को उन्हें है। पंजाब में पिछली बार बुरी तरह पिट गए थे, पंजाब में काफ़ी कुछ गेन करने को है, लेकिन इन दो राज्यों में अगर उन्हें फ़ायदा होता है तो साथ ही साथ उन्हें कुछ दूसरे, और तीसरा है पश्चिम बंगाल जी, इन तीन राज्यों में बड़ी बढ़त मिल सकती है। लेकिन उसका फ़ायदा तभी होगा अगर हरियाणा में अपनी हार को थोड़ा कम कर सकें, और खास तौर पे सबसे बड़ा सवाल तमिलनाडु में अपनी हार को यूपीए किसी तरह से कम कर सके। और एनडीए, उधर एनडीए के लिए मौका सीमित मौका है उनके लिए, एक मौका, क्योंकि एनडीए के लिए आने वाले दो राउंड एक तरह से डिफेंसिव बैटिंग वाले हैं, उन्हें बचाना है, उनके लिए मौका ले देके है तो
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि अजीत सिंह वाला गढ़ है, लेकिन उन्हें मुख्य तौर पे अपनी हार बचानी है। राजस्थान में और पंजाब में अपनी सीटें गिरने से किसी तरह से बचा ले। राजस्थान में अगर 10-11 सीट निकाल लेती है बीजेपी तो उसे संतुष्ट होना चाहिए, पंजाब में 5-7 सीट निकाल लेती है तो वो काफी संतुष्ट होगी। अगर ड्रॉ हो जाए इन दोनों राज्यों में तो इसे बीजेपी की जीत माना जाना चाहिए। शरारतपूर्ण सवाल तो मैं आपसे करूंगा कि जो स्थिति अभी नजर आ रही है 16 तारीख को, आप क्या तस्वीर, क्या आज कह सकते हैं कि किसी एक गठबंधन को एज मिलता नजर आ रहा? ऐसा कहना काफी कठिन है। अरुण जी ने तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा दिया। मैं मोटी बात ये कहूंगा कि आज की तारीख में यूपीए और एनडीए दोनों 200 से नीचे दिखाई दे रहे हैं मुझे, और एक बार 200 से नीचे हैं उसके बाद खेल खुला है बिल्कुल। ये जो मामला है कि किसकी 5 सीट फालतू दूसरे से आएंगी, कम से कम मैं अभिषेक मनु सिंह भी इतना आश्वस्त नहीं हूं इसके बारे में, किसी भी एक पार्टी के बारे में। अरुण जी, आपने हालांकि फिगर्स दे दिए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है आने वाले 2 चरणों में ये फिगर्स आपकी बदल भी सकती है? और अगर ये कहा जाए कि किसकी संभावना ज्यादा प्रबल नजर आ रही है सरकार बनाने की? मेरे जो फिगर्स मैंने जनवरी में दिए थे जी, और आज उसमें 2% 2% का भी अंतर नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें और कोई परिवर्तन होएगा। और जैसे अभी योगेंद्र जी कह रहे थे, मुझे लगता है राजस्थान में कांग्रेस की काफी बढ़त होगी। मुझे लग रहा है वो 15-16 सीट जीत सकते हैं जी, और उसमें बीजेपी जो है वो 9-10 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेंगे। उसी तरह मुझे लग रहा है कि पंजाब में भी 5 सीटों का फायदा कांग्रेस को होएगा, पिछली दफा उनको 2 मिली थी जी। और वेस्ट बंगाल में भी फायदा होएगा, तृणमूल कांग्रेस को तो फायदा होगा। सरकार बनाने के बारे में कुछ आप कह सकते हैं क्या? सीटें हैं, सरकार बनाने के बारे में कह सकते हैं क्या? नहीं, सरकार बनाने के बारे में देखिए इस वक्त कोई नहीं कह सकता है। जो पहले मैंने आपसे कहा है, इस वक्त कौन सा एलआई किसके साथ जाएगा ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे 16 तारीख को तभी पता चलेगा, उस वक्त लोग सोचेंगे। अभिषेक, अभिषेक क्या गारंटी है? अभिषेक, आपने कहा है कि कांग्रेस गठबंधन सबसे बड़ा फॉर्मेशन बन के उभरेगा, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं समर्थन लेना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। कौन लोग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने ये कहा कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट होगा और कांग्रेस गठबंधन ही सरकार बनाएगा क्योंकि उसके पास बहुमत होगा। लेकिन अभी आप आए चर्चा प्रदेश वाइज करें, अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही योगेंद्र जी ने भी, अरुण जी ने भी। राजस्थान मैं अभी वहां से दौरा करके जोधपुर क्षेत्र से आया हूं, उससे पहले जयपुर क्षेत्र से गया था और अजमेर साइड भी गया था। अब मुझे आश्चर्य होगा अगर 4 और 5 गुना से कम वृद्धि हो आज की सीटों में, और ये बात कुछ हद तक पुष्टि अभी आपको अरुण जी ने भी की है जी। उतनी नहीं मात्रा में लेकिन उससे कम मात्रा में, तो ये निश्चित रूप से बड़ी बढ़त देखेंगे आप। पंजाब में हमारे जो राजनीतिक दुश्मन है वो भी कंसीड कर रहे हैं अंदर प्राइवेट टॉक में कि 9 से 10 सीट से ऊपर आएगा, हम साथ हैं ज्यादा आएगा। मतलब राजस्थान और पंजाब में आपको थोड़ी नंबर बहुत मिलती नजर आ रही है। नंबर 3 अभिषेक जी, माफ करिएगा मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो है आप देखना ना भूलें डंके की चोट पर। योगेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।